This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। जी हां, बीएसएफ जैसे कई पद हैं, आईटीबीपी के पद हैं और इसके अलावा कई अन्य पद हैं जिसके लिए नौकरी की वैकेंसी निकली है। अगर आपको भी सरकारी नौकरी की तलाश है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपीएससी की तरफ से सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के पदों पर भर्तियां की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भर्तियों के बारे में कुछ और जानकारी। भर्ती डिटेल: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 67 पद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 36 पद, सीमा सुरक्षा बल 35 पद, भारत तिब्बत सीमा पुलिस 20 पद, सशस्त्र सीमा बल 1 पद, कुल पद 159। तो कुल 159 पद हैं। अब चलिए अहम तारीखों के विषय में आपको जानकारी दे देते हैं और वीडियो देखते देखते इन तारीखों को नोट कर लें। 15 अप्रैल 2021 से आप कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 5 मई 2021। ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई 2021। भर्ती के लिए लिखित एग्जाम 8 अगस्त 2021। चलिए, अगर आपकी भी इन पदों में दिलचस्पी है तो अब जान लेते हैं कि आखिर योग्यता क्या कुछ चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। योग्यता से जुड़ी अधिक जानकारी अभ्यर्थी आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं। चलिए, अब आयु सीमा को लेकर क्या कुछ सीमा तय की गई है वो भी जान लेते हैं। 21 से 28 साल के बीच का व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर सकता है। तो अब आवेदन शुल्क के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। जनरल और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए ₹200 फीस देनी होगी, जबकि अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को फीस नहीं देना होगा। चलिए, अब सबसे अहम सवाल की आवेदन आखिर करना कैसे है तो वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई लिंक पर क्लिक करें, अपना पर्सनल डिटेल इंटर कर सबमिट करें, फी पेमेंट करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। फॉर्म भरने के बाद उसकी एक कॉपी डाउनलोड कर अपने पास रख लें। तो अगर आपकी भी इस नौकरी में दिलचस्पी है तो जरूर आवेदन करें। साथ ही नौकरी की तलाश में जुटे हुए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें और बिहार की खबरों के लिए देखें बिहार तक।